गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग बिकॉज हम लोग एक यूरो ट्रिप पे जा रहे हैं और हम लोग बहुत सारी कंट्रीज से होते हुए निकलेंगे, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो बजट ट्रैवल है वो आप कैसे कर सकते हो। और बहुत सारी टिप्स होंगी इसमें, कोई ज्ञान ज्यादा नहीं होगा, पर हम जाते जाएंगे और आपको सारी टिप्स जो है वो बताते जाएंगे। जो जो हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, जैसे जैसे जो जो टिप्स ट्रिक्स यूज करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। फिर चाहे वो आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो या फिर आप यूरोप में ही कहीं रह रहे हो या यूके से यूरोप ट्रैवल करने वाले हो, आपको ये वीडियो में बहुत ही लाइट वीडियो है, बहुत मजा आएगा। और चलो चलते हैं फिर, और जल्दी जल्दी से दीपक हम रेडी हो गए हैं और चलो बस हमें निकलना चाहिए। हाँ हाँ लेट्स गो। हाँ अभी बजे हैं सुबह के 10 और हम निकल रहे हैं इटली की तरफ निकल रहे हैं। और बीच में हमें पड़ेगा हम जर्मनी से निकल रहे हैं, हम पहले एंटर करेंगे ऑस्ट्रिया में। नहीं नहीं हम क्यों बोर कर रहे हैं, हम हर एक कंट्री में एक पॉइंट बताते हैं लोगों को। चलो गाइस खा रही है पूरी बैठ कर क्या खा रही है सर भी बोलो कुछ पूरी सब्जी और भी बोलो बस। कहाँ पहुंच गए हम लोग? हम शायद लिंडाओ की डायरेक्शन में हैं, जर्मनी बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। ये 3.20 की है, सुपरमार्केट में कम की मिलती है ये। तो जो मैं बजट की बात कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ, ये आइसक्रीम मैंने खरीदी, ये जनरली सुपरमार्केट में 2 यूरो की मिलती है और यहाँ पर एक जो है वो 3.5 यूरो की मिली है, तो ऑलमोस्ट डबल रेट पे मिलती है, तो इसलिए। तो ये एक स्टोर है जो कि आई थिंक पेट्रोल पम्प के बगल वाला स्टोर है, संडे को ओपन है और यहाँ पर डबल रेट पर सब कुछ मिल रहा है। तो ऑफकोर्स आइसक्रीम तो हम लोग पहले से लेके नहीं रख सकते थे, लेकिन उसके अलावा बाकी सब पहले से लेके रखा हुआ है। तो अब हम लोग हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पे, मतलब उस तरफ है जर्मनी और इस तरफ है ऑस्ट्रिया, और अब हम इस तरफ जाने वाले हैं। पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बजट ट्रिप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप किस एरिया को आपने चूज किया है। और उस एरिया में जैसे अब हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, घुसेंगे, तो स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है, तो बेहतर ये है कि आप ऑस्ट्रिया से जो भी शॉपिंग है वो करके निकलो, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। या जर्मनी, तो जर्मनी भी ऑस्ट्रिया से महंगा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रिया से खरीदें, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे सस्ता जो है वो ऑस्ट्रिया है। तो ये भी एक टिप हो सकती है, बट दिस इज़ आवर प्लान जो कि हमारा इस तरफ को बढ़ रहा है, और अब हम लोग जाते हैं और आप भी हमारे साथ चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी हम जहाँ खड़े हैं उस तरफ स्विट्जरलैंड है, सॉरी ऑस्ट्रिया, इस तरफ स्विट्जरलैंड है, जहाँ खड़े हैं ऑस्ट्रिया, इस तरफ पता नहीं क्या है, पर हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ। स्विट्जरलैंड के
बॉर्डर पे, और दीपक अभी अभी लेने गया है चॉल, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी चॉल लेना इम्पोर्टेंट है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऑफकोर्स आप लोग इंडिया से भी आओगे या फिर यूरोप के भी किसी और देशों से आओगे, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपना रिसर्च करो कि आप जिस कंट्री से निकल रहे हो आसपास की, उसमें से कौन सी कंट्री है जो वो सस्ती है, महंगी है। बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, बहुत डिफरेंस है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में। तो जब हम ऑस्ट्रिया से स्विट्ज़रलैंड में जैसे ही पहुँचे, स्विट्ज़रलैंड जो है वो बहुत महंगी कंट्री है, और इस वजह से हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से कुछ नहीं ख़रीदें, पहले से ही ख़रीद के आएँ। तो आप भी ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखो। और इसके बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो लिंचेस्टाइन है, जो कि बहुत ही छोटा देश है, 25 किलोमीटर का। तो अब वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो जगह कैसी है, और वहाँ पर भी एक टिप जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। अब दूसरे तीसरे चौथे कौन सा है दीपक? लिंचेस्टाइन। लिंचेस्टाइन बोलते हैं दीपक इंग्लिश में, लिंचेस्टाइन। सो ये है देखो, एंड आप हम घुसेंगे चौथे देश में विद इन कितने घंटे हो गए यार? मेरे ख्याल में एक घंटे में तीन चार देश में घूम गए। हाँ, तीन चार देश में। तो हम घुस रहे हैं बहुत ही छोटे देश में जिसका नाम है लिंचेस्टाइन। एक्चुअली इंग्लिश में तो लिंचेस्टाइन है, लिंचेस्टाइन होता है दीपक, लिंचेस्टाइन। रुको मैं अभी जरा प्रोनाउंसिएशन चेक करते हूं। देखो लोग क्या बढ़िया घूम रहे हैं, लोग घूमेंगे वहां पर, इतना छोटा सा देश है, मस्त छोटा देश, कोई नहीं भेष, जैसा देश वैसा भेष वाला जनता नहीं है। वाओ, लव इट। तो अब हम लोग खड़े हुए हैं लिंचेस्टाइन में, और ये लिंचेस्टाइन देश में जो कि 25 किलोमीटर का देश है, ये मैं पहली बार आई हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो करेंसी है वो स्विस वाली, जो स्विस फ्रैंक है, वो ही करेंसी है। तो ऑफ कोर्स ये भी महंगा ही होगा, पर अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। 25 किलोमीटर का ही है तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत का मतलब 50% तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं गाड़ी से घूम के, तो करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और टिप जो है वो देना चाहती हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि इन केस अगर आप गाड़ी से नहीं ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज ऑफ आपके पास लाइसेंस नहीं है, या फिर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, तो जो फ्लिक्स बस है या जो टूर और ट्रैवल जो है वो पूरा पैकेज प्लान करते हैं, वो भी एक आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि फ्लिक्स बस में भी आप लोगों को बहुत सारे जो को ट्रैवलर है वो मिल जाते हैं, फ्लिक्स बस सस्ती भी होती है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा उसमें। तो वो एक जगह छोड़ेंगे, आप पूरा दिन घूमो वहां पर, फिर अगले दिन के लिए दूसरी बस ले लो, फिर अगले दिन दूसरे सिटी में घूमो। लाइक हम जो कार में कर रहे हो, आप वो सेम चीज कर सकते हो, और वो भी बहुत 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 कम पैसे में, जो हम पहले करते थे जब हमारे पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो हम यही करते थे। तो ये था हमारा दूसरा या कौन सा वाला टिप, मुझे नहीं। कंट्री में यूज कर सकते हो, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से गुजर रहे हैं, किसी की करेंसी अलग है, तो इसलिए। और ये लोग बहुत अच्छे ट्रांसफर रेट्स दे रहे हैं, तो सिर्फ 0.99 यूरो या फिर पाउंड अगर आपको इंडिया पैसे ट्रांसफर करना है फ्रॉम यूरोप या फिर यूके से, सो दैट्स एन अमेजिंग ऑफर, और आप इसका यूज कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, 0.99 यूरो में कुछ भी नहीं आता है यार यहाँ पर।
तो दैट्स द थिंग. एंड ये यूज करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन लिंक जो है फ्री दो लिंक्स भी दे रही हूँ मैं मेरे सब्सक्राइबर को, तो वो भी यूज करना मत भूलना. सब कुछ फैला रखा हुआ है, हम लोग काम कर रहे थे ऑफिस का, तो इसलिए लैपटॉप खाना वाना ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं. और भी गाइस बहुत सारी टिप्स है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देखना, मैं ऊपर लिंक डालूँगी. और बहुत छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं वो अल्टीमेटली आपका बजट पे जो है वो फ़र्क पड़ाती है. अब हम लोग जो हैं वो बोट ट्रिप्स लेने वाले हैं यहाँ पर जो है वो बहुत सारी, लाइक अभी हम लेक कोमो में हैं, इटली में आ गए हैं, और कल तक हमने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन. तो अब वहाँ यहाँ पर जो है वो बहुत सारी बोट राइड्स होती हैं, जैसे लग्जरी या नॉर्मल. तो अब हम लोग देखेंगे हमें कैसा करना है, तो डिपेंड ऑन कि आपका क्या बजट है आप ऑफकोर्स कर सकते हो, बट देयर आर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर एक चीज़ के लिए. और हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल गए थे, तो दीपक गया नीचे और जाके लेके आया सुपरमार्केट से, जस्ट ट्राई इट. और ऑफ कोर्स बहुत सारी और छोटी मोटी बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. वीडियो थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा, छोटी सी बातें जो ऑफ कोर्स आप भी ध्यान रखते होगे, पर आपको थोड़ा समझ में आया होगा यूरोप ट्रिप का. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो रिवायर की फ्री लिंक है और जो उनके अमेजिंग ट्रांसफ़र रेट्स हैं वो यूज़ करना मत भूलना. और हाँ, इस चैनल पे बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस आने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हम लोग घूम रहे हैं, तो वो देखना मत भूलना. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे दबाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और हाँ, कमेंट करना मत भूलना. बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.